सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीवी एडिट का रियल ट्रिक क्या है, इसको कैसे एडिट कर। सीवी एडिट करने के लिए गाइस हमें कुछ पीएनजीज और कुछ ऐसे अदर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जो कि हम अपने नॉर्मली पिक्सआर्ट से एडिट नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको उनका नाम बताने वाला हूँ और आपको करके भी दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी बकचोदी के, एंड मैं उस एप्लीकेशन का नाम बता दूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रीटच एप्लीकेशन, एंड उसके बाद करेंगे लाइटरूम, एंड उसके बाद करेंगे हमारा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो चलिएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे एडिट करना है। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल को भी ऑन कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको ये रीटच एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह के तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एल्बम पे, ठीक है। और यहाँ से अब आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है, जो भी आप फोटो यहाँ पे ऐड करना चाहोगे, ठीक है, जो भी हम सीवी एडिट बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोटो को यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी देखो ये बैकग्राउंड को पहले हमें हटाना होता है, उसके बाद इसमें रेड कलर का इफेक्ट देना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव रिमूव पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने ब्रश का जो है साइज देखो छोटा कर सकते हो, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर लीजिए आप। इतना करने के बाद देखो अब इसको कैसे करना है, आपको रिमूव करना है। तो इस तरह से आप इस पर अपने फोटो पे पूरे पे ना अच्छे से इस तरह से कर देना है ताकि ये अच्छे से एकदम रिमूव हो जाए और हमारा बैकग्राउंड वही रहे। तो इतना मैं इसको कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ से हट जाएगा और बैकग्राउंड हमारा रह जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी जो एडिटिंग है वो बाकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रियल ट्रिक दिखा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ऐसा ट्रिक, ठीक है। तो सिंपली आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो कि आपको यहाँ मिलेगा। अब देखो ये 2-4 सेकंड में ही आपके फोटो का मतलब हटा देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा ऑब्जेक्टिव रिमूव। तो सिंपली से आपको यहाँ से सेव कर लेना है इस बैकग्राउंड को और यहाँ से कर देना है सेव गैलरी। तो अब चले जाना है हमको बैक और चाहेंगे अब हम अपने इस वाले को अपने लाइट रूम के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, इस बैकग्राउंड को जो अभी हमने रिमूव किया था। तो सिंपली से आपको अपना लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और अभी यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करेंगे जो अभी हमने रिमूव किया था। तो सिंपली से मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड है और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये बैकग्राउंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पे हमें जो करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वही चीज़ हम सीख लेते हैं। तो अभी जो हमारा एक ग्रीन बैकग्राउंड है उसको भी हमें करना है यहाँ से रेड कलर में। तो इसकी कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे हम और थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और इसकी शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हाईलाइट को कम कर देंगे एंड इसके ब्लैक को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद इसकी वाइट को कम कर लेंगे और अब आएंगे इस थर्मामीटर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से देखो यहाँ पे हमें सेचुरेशन को बढ़ा देना है इसकी और वाइब्रेंस को भी बढ़ा देना है। एंड अब चले जाना है ऊपर मिक्स टूल पर एंड यहाँ से हम करेंगे एडिटिंग। तो यहाँ पे येलो कलर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसकी यू को माइनस करना है और सेचुरेशन को प्लस करना है और ग्रीन वाले के भी यही सेम कर देना है। तो देखो हमारा यहाँ से येलो कलर का कुछ टाइप से बैकग्राउंड बन जाता है, बट अभी हमें येलो जो ब्लू कलर का टोन है इस पे इसकी जो सेचुरेशन है इसको माइनस कर देना है और इसके जो ग्रे कलर है इसकी भी माइनस कर देना है। इस तरह से करने के बाद इसको डन कर लेना है आप लोगों को। एंड अभी चले जाना है हमें इस जो है ये 3 स्लिप्ट का ऑप्शन जो पैनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको आर्टिस्ट पे। तो देखो यहाँ से हमारे बैकग्राउंड में कुछ रेड कलर का बन जाता है इस तरह से। तो इसको आपको सिंपली से यहाँ से डन कर लेना है एंड जैसे इसको डन करें तो आपका बैकग्राउंड रेड कलर का बन जाता है जो कि आपको सीवी एडिट में देखने के लिए इसी तरह के बैकग्राउंड को मिलते हैं। तो सिंपली से हम इस फोटो को पहले सेव कर लेंगे, तो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपसे आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ एंड ये हमारा हो चुका है सेव। तो अब इसी दौरान हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद देखो गाइस आपके सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी खुल के, लेकिन आपको अपना बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो कि अभी मैंने एडिट किया था, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेना है आपको। अभी देखो बहुत सारी कमी है हमारे फोटो के अंदर, तो वो चीज़ें कैसे आपको सही करनी है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है FX वाले ऑप्शन पर जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
अब जाना है आपको, देखो ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए, एंड इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको करना है लेंसेस ब्लर, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। और इसको आप देखो अपने हिसाब से रखो जितना कि हमें सीवी एडिट में होता है, ब्लर बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो हम इतना रखेंगे। एंड यहाँ से हम इरेजर लेंगे और यहाँ से जो इरेजर है इसको हम हार्डनेस को कम कर देंगे और इसके साइज को इतना ही रखेंगे और नीचे से इसको इतना रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए। और इसको हम कर देंगे सेव। एंड इतना करने के बाद आपका फ़ोटो देखो बहुत ज़्यादा चमक आ गई है। बट अभी इसमें हम कुछ जो ब्लर इफेक्ट होता है, जो पीएनजी होते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सिंपली से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। अभी हम दो पीएनजीज को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो मैं उन दोनों पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस ये बैकग्राउंड है जो हमारे पीएनजी है, इसको आपको दो बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद अब देखो जो कि हमें वोक इफेक्ट मिलता है वो इसी तरह से मिलता है कि गाइस कोई हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वो अगर ये बनाते हैं तो पीएनजी को यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है और इस वाले को भी यहाँ पे बड़ा करके इस तरह से लगाना है अपने बैकग्राउंड के अंदर। तो इसको हम इतना बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद आपको लेना है इरेजर, जो कुछ आधा आधा पार्ट्स दिख रहा है उसको हम रिमूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, इसको डन करना है एंड ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अब ऊपर वाले की जो ये हैं आधे आधे हैं कुछ, इनको रिमूव कर देना है। तो इसी तरह से आपको करने का है पूरे से अच्छे से, और इसको कर लेना है आपको डन। तो देखो आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से मज़ेदार बन चुका है। बट अभी इसके अंदर थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट और देना है हमको, ताकि हमारे फ़ोटो में एकदम और शाइनिंग इफेक्ट आए और ये जो हमारा फ़ोटो है उसको अंदर दब जाए, ठीक है। तो इस पर ब्लर वाले पे करेंगे क्लिक, पहला वाला है, और इसको हम करेंगे दो या तीन, ठीक है। तो हम चार रखते हैं और यहाँ से इसको डन कर लेंगे। तो देखो अभी बहुत अमेजिंग लग रहा है, बट सॉरी गलती होगी थोड़ा सा। तो हम दोबारा से क्लिक कर लेते हैं एफएक्स वाले पे और ब्लर पे क्लिक करते हैं। एंड अभी इतना कर लेते हैं और इसको हम ब्लर को चार कर लेते हैं फिर से। एंड इरेजर लेंगे, अभी हमें नीचे का पार्ट्स को छोड़ देना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से इसको डन कर लेना आप लोग। एंड जैसे आप इसको डन कर लेते हो देखो आपके सामने कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। बट अभी थोड़ा सा हम इसमें और इफेक्ट दे लेते हैं। तो एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड इसकी सैचुरेशन जो है इसको आपको बढ़ा देंगे। देखो यहाँ से आपका जो रेड कलर का इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा शाइनिंग इफेक्ट दे रहा है, जो कि हमें सी बी एडिट के अंदर देखने को मिलता है। बट यहाँ से थोड़ा सा हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे और चमक मिलने के लिए। एंड इसको हम करेंगे यहाँ से डन। डन करने के बाद अभी आपको अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है सिंपली से बस उसको इरेज कर लेना यार, बढ़िया से एकदम। तो उसका जो है ना जो ऑब्जेक्टिव फेदर लुक होता है बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए, तो आप उसको ना 98 करके उसको रिमूव करिए। तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर लेता हूँ जल्दी से और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे एडिट करना है अच्छे वाली तरीके से। तो सिंपली से हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करेंगे और इतना बैकग्राउंड को ऐड करेंगे जैसे कि हमारा पहले बैठा था वहीं पर हम इसको लगा देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें सेट करना है, यहाँ पे इतना आपको यहाँ पे लगा देना है एंड इसको सिंपली से आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद अभी देखो हमारे फोटो एकदम शाइनिंग इफेक्ट आ गई है, वही बैकग्राउंड है, वही सब कुछ है, लेकिन अभी हमें शैडो बनाने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो इसके अंदर शैडो बनाएंगे वो हम ड्रॉ टूल के अंदर। पहले हम अपने यहाँ से फेस को स्मूथ कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे कर लेते हैं। तो सिंपली से आपको एफएक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से करना है आपको ब्लर, एंड यहाँ से लेना है आपको इरेजर एंड इसको करना है क्लियर ऑल, और यहाँ से ब्रश ले लेना है आपको ये, ठीक है। और यहाँ से लेने के बाद आपको अपने फेस पे इस तरह से करना है। अगर ये आप नहीं करते तो आपका सीवी एडिट जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ से ब्लर ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज मैं बता रहा हूँ जो कि लाइव प्रूफ बता रहा हूँ और जो कि हम करते हैं अपने पीसी के अंदर। तो सिंपली से आपको अपनी बॉडी पे इस तरह से इसको ब्लर कर लेना है, जो कि आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है सीवी एडिट के अंदर। तो आप लोगों को इसी तो आपको इस तरह से कर लेना है और इसको कर लेना है आपको डन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से अपना ब्लर को थोड़ा सा कम कर लेना है अपने हिसाब से, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको इतना कर लेंगे एंड यहाँ से हम डन कर लेंगे। अभी हमें अपने फेस में ब्राइट करना है, तो वो कैसे करने का है आपको, तो आपको यहाँ पे जाने का है, देखो ब्यूटी वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मिलेगा स्किन का ऑप्शन, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है आपको। इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में एकदम शाइनिंग इफेक्ट देगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देखो यहाँ से आपकी स्किन एकदम वाइट हो चुकी है एंड सिंपली से इसको आपको डन कर लेना है। देखो अभी हमारा फोटो देखो कितना बेकार था बैकग्राउंड एंड अभी शाइनिंग इफेक्ट आ रहा है। तो यही चीज़ होती है सीबी एडिट के अंदर। तो चलिएगा गाइज अभी हमारा फोटो एडिट हो चुका है,
बट अभी हमारा थोड़ा सा जो कपड़े हैं वो अगर कलर आप लाइट रूम के अंदर कर लीजिए तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि लाइट रूम के अंदर कपड़े को कलर कैसे चेंज करते हैं। एंड गाइस मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो सिंपली से आपको यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बनाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है ये नीचे से और इसको डन करना है। एंड यहाँ से आपको अपने साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से देखो ये साइज है तो आप अपने साइज को 30 रखिए। एंड यहाँ से हार्डनेस को तो आप माइनस कर दीजिए बिल्कुल ही एंड सेट कर लीजिए। और आप देखो हम बनाएंगे यहाँ से शैडो, तो कुछ इस तरह से शैडो बनाएंगे और इस तरह से इसको शैडो बनाएंगे, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम बैठे भी हैं, ऐसा लग रहा है ना कुछ अभी उठे हुए से हैं, तो इसलिए हम इसको शैडो बना रहे हैं। तो अब हम अपनी शैडो को थोड़ा सा माइनस कर देंगे आधा। देखो अब हमारा बैकग्राउंड एकदम रियल भी लग रहा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एडिट करना है। अब देखो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है एकदम रियल वाला। एंड सिंपली से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर लेना है सेव। तो गाइस ये देखो बहुत ही ज़्यादा रियल और अमेजिंग ट्रिक थी और जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी दौरान आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।